यानी कि आप अगर रेगुलरली बहुत ज्यादा हाई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या फिर फ्रूट जूसेस पीते हैं, तो ये क्या होता है कि रेगुलर हाई लेवल ऑफ लेप्टिन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि लेप्टिन का रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ब्रेन लेप्टिन के रिस्पॉन्स को कम कर देती है और आपको भूख लगातार लगती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम फ्रूट जूसेस पीते हैं, ये खासकर ये पैकेज्ड जो प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस होते हैं जो बाजारों में मिलते हैं, उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, फ्रक्टोज होता है, जो लेप्टिन रेजिस्टेंस को इंड्यूस करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम भी जूस पीते हैं, या नेचुरल हो या पैकेज्ड हो, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है जो लेप्टिन रेजिस्टेंस को इंड्यूस कर देता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको भूख लगातार लगती रहती है और आप लगातार खाना खाते रहते हैं बिकॉज ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस। अल्टीमेटली मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको फ्रूट जूसेस के बजाय आप डायरेक्ट फ्रूट खाएं, तो फ्रूट में भी फ्रक्टोज होता है, बट अल्टीमेटली जो उसके साथ फाइबर्स होते हैं वो जाके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इंटेस्टाइन में, और लेप्टिन का लेवल इतना तेजी से सूटअप नहीं होता, तो अल्टीमेटली लेप्टिन का रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता अगर आप डायरेक्ट फ्रूट खाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज लेते हैं, हाई अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा और आपको लगातार भूख लगेगी और आप ज्यादा खाएंगे और अल्टीमेटली ओवरवेट हो जाएंगे। ये अगर आप इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल शेयर करें अपने डियर एंड डियर वंस के साथ और उनको बताएं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थी टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन प्रैक्टिसिंग लखनऊ।